दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है, अब जो है उसका पेमेंट जो आएगी आधार के माध्यम से आएगी। पहले जो है डायरेक्टली जो है 6000 की जो राशि हमें मिलती थी, 2000 की 3 किस्तों में, वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट्स में आ जाती थी। मगर अब 1 अप्रैल से यहाँ पे जो है रूल्स यहाँ पे चेंज हो गई है। अब जो पीएम किसान का पेमेंट जो है आधार मोड से ही आपको आएगा, और इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे कि आपको आधार मोड से जो पेमेंट होंगे तो उसके लिए आपको जो है ईकेवाईसी ये जो है करना यहाँ पे नेसेसरी है, और कैसे जो है आधार से यहाँ पे आधार मोड से पेमेंट आएंगी, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पे बने रहें, वीडियो को फुल वॉच करें और ये आधार मोड पेमेंट्स क्या है पूरी डिटेल्स जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है 6000 रुपये की राशि जो है 3 किस्तों में हमें दी जाती है, और जिसको लाभ लेने के लिए जो है आपको ईकेवाईसी जो है 31 मई 2022 तक आपको कर लेना जरूरी है। अगर आप जो है ईकेवाईसी नहीं करते हैं तो आपकी जो पीएम किसान निधि की जो आपको राशि है वो मिलना बंद हो जाएंगी। तो यह एक तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किसानों को सुरक्षा देखते हुए, मतलब उनकी एक सहायता राशि जो है 3 किस्तों में 2000 रुपये की राशि यहाँ पे ट्रांसफर की जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या क्या होती है। तो इसके लिए आपको योग्यता है जो भारत का निवासी होना चाहिए, आपके पास जो है कम से कम 10 डेसिमल खेती योग जमीन किसान के पास होनी चाहिए, आवेदक का मासिक आय 15000 से कम होनी चाहिए, आवेदक आय का डाटा नहीं होनी चाहिए, जमीन का जमाबंदी आवेदक के नाम पे होना चाहिए, परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें लगता है आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक का पासबुक लगा रहता है। देखिए, बैंक का पासबुक जो है अब NPCI सर्वर से लिंक होना जरूरी है, और आपका जो भी अकाउंट्स दी गई है वो आपके आधार और पासबुक में नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, और ये ध्यान रखिएगा, और आपका जो है ईकेवाईसी सक्सेसफुली होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब जो पेमेंट आने वाली है आधार बेस पे ही आएंगी। अगर आपके आधार में और बैंक में के अकाउंट में नाम अगर डिफरेंस है तो आपका जो है पेमेंट यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर आपका नाम चेंज है, पासबुक के अनुसार नहीं है, तो पासबुक के अनुसार से नेम अपना करेक्शन करवा लें, और अपना जो है उसके लिए जो है आप लिंक जो है NPCI सर्वर से जो आपका पासबुक है, अकाउंट है, वो लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं होता है तो आपकी जो पेमेंट है वो नहीं आ पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अब ये नेसेसरी हो गई है, 1 अप्रैल से जो है नया रूल्स यहाँ पे लागू कर दी गई है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान में यहाँ पे लिख रखा है 12 लाख किसानों की बंद होगी पीएम सम्मान राशि। तो ऐसे कर सकते हैं जी, देखिए, जिन किसानों के आधार में आवेदन के नाम में अंतर है वह खुद मोबाइल से इसे दुरुस्त कर सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल पर जाने के बाद अगर कहता है कि आपका वेरीफाइड नहीं है तो समझ जाएं कि इसमें नाम में अंतर है। अगर आप वहां पे वेरीफाई करते हैं आधार, अपना वेरिफिकेशन करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, और आपका नाम वहां पर अगर डिफरेंस है तो यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति में आपका जो है पेमेंट आपको नहीं मिल पाएंगी। तो ये आप अगर नाम में डिफरेंस है तो वो अपना करेक्शन जरूर करवा लें। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है भुगतान आधार आधारित। देखिए, भुगतान आधार आधारित नए वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भुगतान अब आधार आधारित ही होगा। अब आधार में डायरेक्टली जो है पेमेंट आपके जो खाता है आपके आधार से लिंक होगा उसी में आपके डायरेक्टली जो है पेमेंट जाएंगी। पहले जो आप अकाउंट दिए थे उसमें अकाउंट में डायरेक्टली जाते थे, मगर जो आपके आधार जो है लिंक रहेगा बैंक अकाउंट में उसी में आपका डायरेक्ट जो है पेमेंट यहाँ पे अब जाएंगी। 1 अप्रैल से नियम लागू हो गए, तो आप लोग जल्द से जल्द जो है ये सब पूरी प्रक्रिया कर लें। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जो आपके आधार में जो आपका जो लिंक रहेगा अकाउंट उसी में पेमेंट यहाँ पे ट्रांसफर की जाएंगी। तो इन बातों का आप ध्यान दें। तो वो आप कैसे चेक करेंगे, तो पीएम किसान सम्मान योजना का जो मेन साइट है वहाँ पे जाएंगे, एडिट आधार फेलवर रिकॉर्ड्स पे जाएंगे, वहाँ पे आप बेनिफिशियरी स्टेटस पे जाके आधार नंबर और अकाउंट नंबर डालकर यहाँ पे गेट डाटा पे आप डिटेल्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर आपका पेमेंट मोड अगर आधार रहेगा तो आपका 100% जो है पैसा आ जाएंगी। अगर आपका यहाँ पे दिक्कत दिखाता है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे पेमेंट मोड आधार दिखा रहा है लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि आपका अकाउंट जो है NPCI से लिंक नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है आपका अकाउंट से NPCI आधार लिंक करना पड़ेगा। तो ये चेक करना के लिए यहाँ पे
जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मेन साइट पे आप जाके पूरी डिटेल्स आप चेक कर लें। अगर एनपीसीआई सर्वर से लिंक नहीं है तो आपका जल्द से जल्द जो है अकाउंट को लिंक कर लें, और ताकि आपका जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का जो राशि मिलती है वो हमेशा मिलती रहे। और एनपीसीआई सर्वर कैसे, इसके डिटेल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हमने बता रखे हैं, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। एनपीसीआई के बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, एनपीसीआई क्या है, कैसे इसको लिंक करना है, पूरी डिटेल्स उस वीडियो में आपको मिल जाएंगी, जहाँ से पूरी डिटेल्स आप एनपीसीआई का आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मेन टॉपिक जिस वीडियो में हमने कवर किए हैं कि अगर आपका जो है आधार जो है जो पेमेंट आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का है वो आधार बेसिस पे ही होगा, तो अपना अकाउंट अपना चेक करवा लें कि आधार में आपका नाम जो है, और अगर आधार से जो है अकाउंट लिंक नहीं है तो वो लिंक करवा लें, और नेम आपका फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए आधार और बैंक के पासबुक में, तभी आपकी जो पैसा है वो आ पाएंगी। तो ये था दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी इस वीडियो में हमने कवर की है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।